बच्चों, क्लास 11th का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर मैं बता रहा हूँ। आईएससी के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, यानी आईएससी बोर्ड के क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 2 का चैप्टर है आपका 5, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर 5 है, इसका 5th चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो रखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन -330 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। दो फॉर्मूले बच्चे यूज होंगे इसमें। पहला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, साइन -θ इज इक्वल टू होता है -sin θ। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा वो भी बता देता हूँ, तो साइन 360 -θ इज इक्वल टू होता है -sin θ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपके यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो साइन -θ का मतलब ये होता है, ये जो एंगल है ये माइनस में जो है, इसी को हम कहते हैं -θ। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, साइन माइनस बाहर आ जाएगा तो 330 बन जाएगा। सही, अब इसको हम क्या करते हैं, 330 को लिख देते हैं -sin। 360 में से 30 माइनस करूंगा तो 330 वापस आ जाएगा, यानी इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 330 आ जाएगा। तो 360 -30 लिख सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया, देखो ये जैसे ये नीचे दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए -1। तो ये वाला लग रखा है, ठीक है, एक माइनस और लगेगा, ये वाला -sin 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये इसका आंसर होगा। पहला आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दे रखा है, cosec -1410 की वैल्यू आपको निकालनी है, -1410। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये बड़ा नंबर है, इसके लिए क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया। इसमें भी बता रहा हूँ कि क्या होता है कि दो तरह के क्वाड्रेंट, दो तरह के एक्सिस होते हैं जिसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यानी इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, यानी कॉस और सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। कुछ चीज़ें और भी बताई थी इसके बारे में, अगर याद हो तो आपको क्या क्या बताया था, देखो उसके बारे में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसको हम कहते हैं 360 n+θ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 360 n-θ। ये बात याद रखना, 90 -θ तो कहते ही हैं हम इसको। ठीक है, इसको 360 n+θ भी कहते हैं, फर्स्ट वाले को। इसको हम क्या क्या कहते हैं, 360 n-θ, -θ भी कहते हैं और 360 -θ भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीन नाम इसके होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस सेक टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं जरा। हम सबसे पहले -1410 है, तो -1410 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सबको रब कर देता हूँ यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रब कर दिया मैंने। अब ज़रा यहाँ -1410, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने आपको ये बताना है, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। -1410 इसको ना एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि कॉसेक -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये -cosec θ आता है। इसका आंसर क्या आता है, -cosec θ, और कॉसेक 360 n-θ फोर्थ क्वाड्रेंट में दोबारा से होता है, तो इसकी वैल्यू भी -cosec θ ही होती है। ठीक है, क्वाड्रेंट टूल में मैंने कॉन्सेप्ट में सब कुछ बताया आपको ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये कॉसेक -θ के जैसा दिख रहा है, तो इसको -cosec 1410 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब 1410 बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमको क्या करना है, 360 into something की फॉर्म में तोड़ देना है। यानी 360 into क्या करूँ मैं कि मेरा आंसर 1410 आ जाए। तो मैं अब एक बार करके देखता हूँ, 360 into 3 अगर मैं करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1080। 360 into 4 करते हैं तो क्या आता है, 1440। दोनों आंसर जो हैं ये किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहे, तो लेकिन मैं इसमें से 30 अगर माइनस करूँ 1440 में से, तो 1410 मेरे को मिल जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, 360 into 4 -30 करके लिख दूंगा। क्या करा हमने, 360 की 4 से मल्टीप्लाई करी, क्या होता है ये 1440, इसमें से 30 जब मैंने माइनस करा तो क्या मिल गया, 1410। आपको इस तरीके से करना है इसको। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इस पूरे को अगर मैं 4 को n कंसीडर करता हूँ तो 360 n-θ की फॉर्म बन गई, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, -cosec θ, तो माइनस ये बाहर रहा -cosec 30 डिग्री,
तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 11 पाई बाय 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 11 पाई बाय 4 दे रखा है, पाई की वैल्यू में किस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम ब्रेक करना सिखाता हूँ, कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है इसको, तो 10 11 पाई बाय 4 आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, 4 का टेबल, 11 को ऐसे लिखो कि 4 के टेबल में आ जाए। मतलब क्या है मेरा, कि मैं 4 का टेबल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 12 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, 11 को लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 पाई माइनस पाई को मैं क्या करूँगा, अब एलसीएम ब्रेक करूँगा। एलसीएम ब्रेक करने का तरीका ये होता है, एक बार 12 पाई के अपॉन में 4 को लिखो और एक बार पाई के अपॉन में 4 को लिखो, तो ये जो 4 है ये दोनों बार जो है एक एक अपॉन में आ जाएगा। तो करना क्या है, जो 11 है ना इसमें प्लस या माइनस करके नीचे वाले के डिविजिबल एक नंबर बनाना है, ठीक है। जैसे नीचे 4 है तो 11 में मैंने क्या करा, मैं इसको 10 प्लस पाई भी तो लिख सकता था, 10 पाई प्लस पाई भी तो लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10 जो है वो 4 से कट नहीं होता। तो 12 पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब ये है कि ये जो नंबर बनाओगे आप पहला वाला, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, ये कितनी बारी में कट होगा, 3 बारी में, क्या बना 3 पाई माइनस पाई बाय 4 है ना, -π/4। और मैंने अभी आपको बताया, क्वाड्रेंट रूल दोबारा से याद दिला देते हैं, क्या होता है कि इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं π/2 यानी 90, इसको कहते हैं पाई, ठीक है, और इसको कहते हैं हम 3π/2 और इसको कहते हैं हम 2π। उसके बाद क्या होता है कि ये वैल्यू जो होती है शफल करती रहती है आपस में, शफल का मतलब ये है 4π 6π 8π वो इस तरफ आएगा, यानी इस वाली लाइन पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, पाई 3π 5π वो सब इधर आता है, यानी नेगेटिव एक्सिस पे, ठीक है। अब क्या होता है, अगर 3π माइनस में लिखा हुआ है तो ये होगा इधर, और 3π प्लस लिखा हुआ है तो ये होगा इधर, ठीक है। तो 3π माइनस में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 10 थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमको करना क्या है, इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा -10π/4। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 4 यानी 45 डिग्री, तो -10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो पीछे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4।